तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या है गद्यांश, है ना। इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है ना। तो ये एक पैराग्राफ है, इसमें कहते हैं राष्ट्रीय पार्क के बारे में बताया गया है और ये राष्ट्रीय पार्क कब बना, भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, ठीक है ना, कब सन में हुआ, किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ। तो इसको हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और जो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसके उत्तर देंगे। तो गद्यांश और पद्यांश का मतलब ये है, गद्यांशों के प्रश्नोत्तर लिखिए, अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें ऐसा ही होता है कि गद्यांश एक दिया रहता है, उसके नीचे प्रश्न दिए रहते हैं, उसको पढ़कर उसी गद्यांश से छांट कर उसके उत्तर फिल करने होते हैं, ठीक है ना। हमें भी यही करना है, मैं आपको गद्यांश एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिएगा सुनिएगा, ठीक है ना, और इसके उत्तर देने की कोशिश करिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बनाने का काम वन अधिनियम 1878 के तहत हिमालय क्षेत्र में स्थित वन क्षेत्रों को आरक्षित घोषित करने के बाद 1879 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1879 में शुरू हुआ, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने 1936 में ब्रिटिश शिकारी जिम कार्बेट की सलाह पर, किसके सलाह पर, ब्रिटिश शिकारी जिम कार्बेट की सलाह पर संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तराखंड के आरक्षित वनों का नाम हेली नेशनल पार्क रखा। क्या रखा? हेली नेशनल पार्क। बाद में जिम कार्बेट संरक्षण करता, यानी जिम कार्बेट पार्क के जो संरक्षण करता थे, उसको संरक्षित कर रहे थे, वो संरक्षित के रूप में प्रसिद्ध हुए। पार्क का नामकरण तत्कालीन उत्तर प्रदेश के गवर्नर सर मेलकॉम हेली के नाम पर रखा गया। उस समय तत्कालिक, उस समय जो उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे उनके नाम पर रखा गया। 1952 में पार्क के ज़्यादातर हिस्से से बहने वाली रामगंगा नदी के नाम पर इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया। उस समय क्या है, उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी बह रही थी, तो इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया। 5 वर्ष बाद एक बार फिर इसका नाम बदल कर इसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, जिम कार्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया, है ना। यह आज यह भारत का सबसे सघन वन क्षेत्र है। क्या है ये? आज का भारत का सबसे सघन क्षेत्र है, है ना। तो इसमें इस पैराग्राफ को पढ़ने से, इस गद्यांश को पढ़ने से हमें ये प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है और ये किस सन में बना, किसके माध्यम से बना, इसके संरक्षणकर्ता कौन थे, अब ये क्या था, पहले क्या था, ठीक है ना। इतना हमारे इस पैराग्राफ को पढ़ने से, इस गद्यांश को पढ़ने समझ में आ रहा। अब हम इसके उत्तर देंगे, है ना, जो ऑप्शनल में होंगे, बहुविकल्पी। ऑप्शनल का मतलब होता है बहुविकल्पी, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क बनाने का काम कब शुरू किया गया। तो ऊपर की लाइन में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि कब हुआ बनाने का कार्य, ये 1879 में, ये 1879 में, ठीक है, 1879 में हुआ। तो हम क्या करेंगे, 1879 से फिल करेंगे। देखिए 1890 भी है, 1895 भी है, 1879 भी है, 1880 भी है, तो इसमें 79 क्या है, सही है, ऊपर लिखा है, 79 में फिल कर लेंगे, ठीक है ना। लेकिन कब फिल करेंगे, इसी से देखकर, गद्यांश से ही है ना, यानी कि गद्यांश में ही प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं। फिर आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने 1936 में ब्रिटिश शिकारी जिम कार्बेट, है ना, तो यहाँ पर सही विकल्प मिलान क्या है, पार्क बनाने का काम डेल्टा क्षेत्र में शुरू हुआ, सुंदर वन क्षेत्र में हुआ, वन से शुरू हुआ, हिमालय क्षेत्र से शुरू हुआ। तो कहाँ शुरू हुआ, हिमालय क्षेत्र से, है ना। तो ये हमारा दिया गया है, ये हिमालय क्षेत्र कहाँ गया, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है, ये 1878 के तहत हिमालय क्षेत्र में, है ना, तो ये हिमालय क्षेत्र, तो हमारा ये हो गया हिमालय क्षेत्र। यहाँ पर हम घर नंबर में फिलअप कर लेंगे हिमालय क्षेत्र। इसके बाद देखिए, वर्तमान उत्तर प्रदेश में प्रदेश के वनों का नाम रखा गया, क्या रखा गया, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में फिर वनों का नाम क्या रखा गया, तो क्या रखा गया, होली नेशनल पार्क, है ना, जो हेल नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। तो उस समय क्या थे, मैं हम पढ़ चुके हैं कि उस समय कार्बेट को जो संरक्षण करता थे, तो उसी के नाम पर ये रखा गया था, ठीक है ना। तो हेली नेशनल पार्क, ये हेली, तो यहाँ पर लिखा होली, हेल, हेली, हल्ला, तो इसमें क्या होगा, हेली गा नंबर सही होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा उत्तर फिर यहाँ पे हमको मिल गया, ये हेली नेशनल पार्क, ये है ना, इस तरह से। तो हमको इस गद्यांश से ही उत्तर छांटना। फिर अगला देखिए, पार्क का नामकरण उत्तर प्रदेश के गवर्नर के नाम पर हुआ। उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर था, तो कौन हुआ था, सर मैकम हेली था ना, सर मैकम हेली। तो ये देखिए लिखा था सर मैकम हेली, यहाँ पे उत्तर है ये, गवर्नर का क्या नाम था, सर मैकम हेली, ठीक है ना, इसीलिए हेली रखा गया।
अगला देखिए, 5 वर्ष बाद इस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया, क्या रखा गया, जिम कार्बेट नेशनल राष्ट्रीय पार्क, है ना, दिया गया जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, घ नंबर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उत्तर दिया गया है, लेकिन हमें पढ़ने से ही समझ में आता है कि क्या होगा, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान या पार्क होगा। उद्यान, पार्क का मतलब ही उद्यान होता है। सारे उत्तर लिखे गए हैं लेकिन हमने एक नज़र भी नहीं देखा, और हमको क्या है, इस पद्या इस गद्यांश को पढ़ने से ही उसके उत्तर आ गए। ठीक है ना, तो आपको भी कुछ इस तरह के हम गद्यांश अभी यूनिट टेस्ट या एग्ज़ाम में देंगे अर्ली में, तो आपको भी इस तरह से उसके गद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न दिए रहेंगे उसके उत्तर छांटने पड़ेंगे। ठीक है, तो आया समझ में, धन्यवाद स्टूडेंट्स।